जय महाकाल। मैं दिवा प्रतिहस स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी नई वीडियो में, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे अपनी लो शुक्रिड या अपने न्यूमरोस्कोप, जिसे आप आसान भाषा में न्यूमरोलॉजी की कुंडली भी कह सकते हैं, उसे बनाया कैसे जाए। लास्ट वीडियोस हमारी राजयोग के ऊपर थी, उसे आप लोगों ने खूब सारा प्यार दिया है, खूब सारा पसंद किया है और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी भी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है और आपको अपने राजयोग के बारे में जानना है तो आई बटन पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। अब उस वीडियो पे ना कईयों के कमेंट्स में डिमांड आए कि लोशो ग्रिड आखिर कैसे बनाए, ये थोड़ा और बेहतर तरीके से, थोड़ा और एग्जांपल के साथ बताया जाए। तो हियर आई एम विद द फुल डिटेल वीडियो, जिसको हम पूरी तरह से लोशो ग्रिड को डेडिकेट करेंगे। लोशो ग्रिड बेसिकली न्यूमरोलॉजी का बेस होता है, यानी अगर आप किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास कभी जाएंगे तो वो सबसे पहले आपके ग्रिड को ही बनाते हैं और उसी के बेसिस पे वो आपके बारे में आपको बताते हैं। और भी कई सारी प्रेडिक्शंस जो आपके बारे में की जाती है वो इसी के बेसिस पे की जाती है न्यूमरोलॉजी में। लोशो ग्रिड की कहानी कुछ यूं है कि इसका बर्थ आज से 4000 साल पहले चाइना में हुआ था, जहां एक हुआंगहो नाम की एक रिवर थी, जिस रिवर में आए दिन बाढ़ आती रहती थी और उस बाढ़ की वजह से ना सब कुछ तहस नहस हो जाता था। अब सारे लोग वहां परेशान रहते थे और वहां के वासियों का ये मानना था, अगर ये बार बार आ रहा है, बार बार बाढ़ आ रही है, तो ये जरूर किसी देवी देवता का प्रकोप है, वो नाराज है हमसे और इसीलिए ये सब हो रहा है। तो वहाँ के जो एम्परर थे, जो राजा थे, जिनका नाम था वो फशिया, मे बी मैंने सही प्रोनाउंस नहीं किया हो बट स्पेलिंग आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो ये जो रूलर थे ये निकले इस बार बार आने वाली बाढ़ का रीजन जानने और पहुंच गए उसी वांगो नदी के किनारे, जहां उन्हें एक कछुआ दिखाई दिया जिसके शेल पे एक 3x3 का ग्रिड बना हुआ था, जिसमें नंबर्स कुछ इस तरह से लिखे हुए थे जैसे अभी आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब राजा ने एक अतरंगी बात नोटिस की इस ग्रिड के बारे में कि इसमें जितने भी नंबर्स थे ना, उनको चाहे तो आप हॉरिजॉन्टली ऐड करो, चाहे आप वर्टिकली ऐड करो या इवन डायगोनली भी ऐड करो, तो वो 15 निकल के आता था और इसीलिए आज भी 15 को एक काफी महत्वपूर्ण अंक माना जाता है चाइना में। और चाइना में पहले ये विश्वास किया जाता था कि जो टर्टल का शेल होता है उसमें ना भगवान का वास होता है और इसी वजह से आप देखोगे कि आज भी लोग टर्टल के नीचे अपनी विश को लिखकर रख देते हैं ताकि वो पूरी हो जाए। अगर आप लोगों को याद हो तो कपिल शर्मा के एक शो में अनुष्का शर्मा ने भी ये बात बताई थी कि उनकी मम्मी ने एक विश लिखी थी जो कि कुछ यूं थी कि मेरी बेटी को फिल्म इंडस्ट्री में काम मिल जाए या यशराज फिल्म प्रोडक्शन के साथ पहली फिल्म मिल जाए, ऐसा ही कुछ विश उनकी मम्मी ने लिखी थी बहुत सालों पहले और ये चीज फुलफिल हुई। हमारे घर में ना कछुआ छोटा सा रहता था, लकी होता वो, हाँ, फेंग शुई का जो होता था, वेरी लकी। तो मम्मी ने उसे एक चिट निकाल के मेरे को दिखाई जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था अनुष्का को यशराज या करण जौहर की पिक्चर मिली, उन्होंने एक विश डाल के वहाँ पे रखी थी। तो ये चीज 4000 साल पहले भी मानी जाती थी और इस वजह से टर्टल पे बने हुए उस ग्रिड को काफी शुभ और ऑस्पिशियस माना गया और लोशो ग्रिड की ओरिजिनेशन यहाँ से हुई। लेकिन एक काफी विडंबना की बात देखिए इधर कि ये जो ग्रिड जो 4000 साल पहले आई, लेकिन उससे भी लाखों हजारों साल से, इनफैक्ट सतयुग से हम दिवाली मनाते आ रहे हैं, जिसमें लक्ष्मी गणेश यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप उस यंत्र को देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली सेम इसी तरह से नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस नंबर्स की प्लेसमेंट में दिखेगा। कहने को मोटा मोटा मतलब ये है कि सिर्फ ज्योतिष का ज्ञान ही नहीं, अंक ज्योतिष का ज्ञान भी हमारे देश के पास सदियों से था। बस जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि वी इंडियंस हैव ऑलवेज बीन ग्रेट स्कॉलर्स बट अनफॉर्चुनेटली वेरी पुअर मार्केटर्स, और इसीलिए लोग हमारा ही ज्ञान हमसे चुरा कर ले जाते हैं और थोड़ा सा मैनिपुलेट करके हमें ही वापस बेच जाते हैं। एनीवेज, तो ये थी लोशो ग्रिड की ब्यूटीफुल सी स्टोरी। अब मेन मुद्दे पे आया जाए और जाना जाए कि भाई ये लोशो ग्रिड आखिर बनता कैसे है, मतलब हम अपनी लोशो ग्रिड को कैसे बनाएं, इसी के लिए वीडियो हमने पूरी पूरी बनाई है और अब उस पे चलते हैं। तो लोशो ग्रिड बनाने के लिए द ओनली थिंग यू नीड इज योर डेट ऑफ बर्थ, और आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस ग्रिड को कैसे बनाया जाता है। एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो के बाद आपको पूरी तरह से लोशो ग्रिड बनाना आ जाएगा, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो सबसे पहले एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, जिसे मैंने यहाँ पे ले लिया है, जो कि है 11 जून 1976। ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने लिख ली और बगल में ये जो स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड यहाँ पे बनाया हुआ है मैंने, इसको आपने बना लेना है या फिर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि एक बार में याद तो ये होने से रहा तो ज्यादा फायदेमंद ये हुआ कि आप इसको या तो बना लें या इसका स्क्रीनशॉट ले, ताकि फ्यूचर में भी कभी आपको लोशो ग्रिड बनाना हो तो आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। तो अब हमें बेसिकली यहाँ से नंबर्स को देखना है कि यहाँ कौन से डब्बे में कौन सा नंबर है और सेम उसी नंबर को उठा करके अपने सेम उसी जगह पे जिस डब्बे में वो नंबर स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड में है, वही अपने लोशो ग्रिड में भी वो नंबर वहीं पे डाल देना है। लेकिन अब बात आती है कि भाई भरना कौन सा नंबर है, हमें कैसे पता लगेगा। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितने नंबर्स आ रहे हैं सबको एक एक करके भर दो। जैसे यहाँ पे इस डेट ऑफ बर्थ में 11 जून 1976 में सबसे पहले नंबर 1 आता है, ठीक है, तो
मैंने यहाँ पे देखा कि नंबर वन यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पे नंबर वन भर दिया। फिर दोबारा से नंबर वन ही आ रहा है, तो अगेन हमने यहीं पे नंबर वन को भर दिया। फिर जीरो आ रहा है। अब देखो इस ग्रिड में कहीं पे भी जीरो को प्लेसमेंट नहीं दी गई है, तो जीरो को हम इग्नोर करेंगे, जीरो नहीं भरेंगे। उसके बाद सिक्स आ रहा है, तो सिक्स देखिए सिक्स यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पे सिक्स को भर दिया। फिर आता है हमारा वन अगेन, तो हम दोबारा से वन को भर देंगे। फिर आता है नाइन, फिर यहाँ पे देखिए नाइन यहाँ आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे नाइन भर दिया। फिर सेवन आ रहा है, सेवन यहाँ पे है, तो यहाँ सेवन भर दिया। फिर सिक्स आ रहा है, तो दोबारा से सिक्स को यहाँ पे भर दिया। यानी अपनी डेट ऑफ बर्थ में जितने डिजिट्स हैं जीरो को इग्नोर करते हुए, और जो जहाँ पे स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड में है वहीं पे उसे डब्बे में उठा करके अपनी लोशो ग्रिड में उन नंबर को भर देना है आपने। ये होता है स्टेप वन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप टू की तरफ, जिसमें आपको अपने मूलांक और भाग्यांक को भरना होता है अपने लोशो ग्रिड। लेकिन इससे पहले कि मूलांक और भाग्यांक को भरे, निकालना भी तो आना चाहिए कि मूलांक भाग्यांक निकाले कैसे। उससे भी पहले कि मूलांक भाग्यांक निकाले कैसे, आप में से बहुत सारे लोग इस चैनल पर नए आए होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि मूलांक भाग्यांक आखिर होता क्या है, तो उनके लिए ये जानना भी जरूरी है कि मूलांक भाग्यांक आखिर है क्या। तो शॉर्ट में समझते हैं। तो देखिए मूलांक इस शब्द को अगर मैं दो हिस्सों में तोड़ू ना, तो बनता है मूल प्लस अंक, यानी बेसिक नंबर, मूल अंक, वो नंबर जो मुझे मेरे बेसिक नेचर के बारे में बताएगा, मेरा मूल चरित्र आखिर है क्या, क्या मैं बहुत मासूम हूँ या मैं बहुत ज्यादा रूड हूँ, आखिर मैं हूँ कैसी, ये मेरा मूलांक मुझे बहुत एक्यूरेटली डिफाइन कर देगा। और सबसे बड़ी बात, खुद को समझ पाना कि आप ऐसे हो और ऐसे हो तो आखिर क्यों हो, ये चीज आपके जीवन के बहुत सारी दिक्कतों को ना, जो हम खुद ही क्रिएट करते हैं, उसे खत्म कर देता है। और इसमें हमारा मूलांक हमारी बहुत मदद करता है। इसकी कैलकुलेशन भी बहुत आसान होती है। आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में जो आपका बर्थ डेट होता है ना, सिर्फ वही आपका मूलांक होता है, लेकिन होता ये हमेशा सिंगल डिजिट में है, यानी वन से लेकर नाइन के बीच में होगा। तो अगर आप किसी सिंगल डिजिट पे पैदा हुए हैं, तब तो एग्जैक्टली वही आपका मूलांक हो गया। पर मान लीजिए कि आप किसी डबल डिजिट की डेट पे पैदा हुए हैं, तो अब आप उस डेट में मौजूद दोनों डिजिट्स को ऐड करके उसको एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करोगे और वो आपका मूलांक आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यही डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, यहाँ पे 11 जून 1976 को इंसान पैदा हुए हैं, तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी जो डेट को वो पैदा हुए हैं, वो है 11, तो ये इनका मूलांक हो गया। लेकिन अब क्योंकि ये डबल डिजिट में है, तो मैं इसको ऐड करके सिंगल डिजिट में लेके आऊंगी, यानी अगर मैं 1+1 कर दूं तो ये आ गया 2। तो इस पर्सन के लिए इनका मूलांक हो जाता है 2, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। अब हो सकता है कि पहले ही स्टेप में आपका सिंगल डिजिट ना आए, डबल डिजिट फिर से आ जाए, तो फिर से उन दोनों डिजिट्स को ऐड करिए, तब तक ऐड करते जाइए जब तक कि वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। तो अब मूलांक हो गया, अब की जाए भाग्यांक की बात। तो भाग्यांक सबसे पहले बताता क्या है। भाग्यांक को भी अगर आप दो शब्दों में तोड़ोगे तो ये बनेगा भाग्य प्लस अंक, यानी वो अंक जो बेसिकली आपको बताएगा कि आपका भाग्य क्या होगा। मोटा मोटा इससे आपको अपने करियर के बारे में पता लग जाता है कि कौन से करियर फील्ड में आपको जाना चाहिए और किसके लिए आप डिस्टाइंड हो। बताता तो भाग्यांक भी आपके ट्रेड्स ही है, वो ट्रेड्स आपके अंदर की वो क्वालिटीज बताता है जो आप धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते अपनी समझदारी से, अपने एक्सपीरियंसेस से डेवलप करते हैं। और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको कौन से करियर में जाना चाहिए, आपका भाग्य किस तरफ आपको ले जाने के लिए आया है, ये आपको पता लग जाता है। तो अब इसकी कैलकुलेशन क्या होती है। इसकी कैलकुलेशन भी बहुत आसान होती है। एक तो न्यूमरोलॉजी से मुझे इसलिए भी बहुत प्यार है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन ना बहुत आसान होती है। बस कुछ रूल्स होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं, बाकी तो कैलकुलेशन क्यों चुटकियों में आप कर जाओगे, ठीक है। तो भाग्यांक के लिए जो रूल है वो ये होता है कि आपको अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को पकड़ना है और उसमें प्रेजेंट हर एक डिजिट को ऐड कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्सन के केस में अगर हम देखें, तो उनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को हम लेंगे और उनके सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे, यानी 1+1+0+6+1+9+7+6। तो जब सबको ऐड करेंगे, 1+1 2+6 8 और 1 9 9 9 18 18 7 25 और 6 31 आ जाएगा यहाँ पे। ये दोबारा से डबल डिजिट में आ गया। भाग्यांक भी आपका हमेशा सिंगल डिजिट में ही निकलता है, 1 से लेकर 9 के बीच में आएगा। तो जब भी आपका डबल डिजिट में आया, फिर से आप इसको सिंगल डिजिट में ऐड करके रिड्यूस करोगे, तो यहाँ पे हम दोबारा से इसको 3+1 करेंगे और ये निकल के आ जाएगा 4। यानी इस पर्सन का भाग्यांक है 4, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब बारी आती है कि अब आपको अपना भाग्यांक भी लोशो ग्रिड में भरना है और मूलांक भी भरना है। सबसे पहले भाग्यांक को भर देते हैं। तो यहाँ पे भाग्यांक इनका 4 आया, 4 यहाँ पे स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड में देख लिया कि यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। अब लास्ट स्टेप आता है मूलांक को भरने का। इसको मैंने लास्ट स्टेप इसलिए रखा है ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एक ट्रिकी रूल अप्लाई होता है जो कि आपको याद रखना बहुत जरूरी है, वरना गलती कर बैठोगे, गलत ग्रिड बना बैठोगे और प्रेडिक्शंस भी गलत निकलेगी, बातों से रिलेट भी नहीं कर पाओगे। तो इस रूल को ध्यान से सुनिएगा और हमेशा याद रखिएगा, हो सके
सके तो कहीं लिख भी लीजिए। सो द रूल इज कि आपको अपनी लो शुगर ग्रिड में अपना मूलांक हमेशा भरना है एक्सेप्ट फॉर टू केसेस। पहला, अगर आप किसी भी सिंगल डिजिट की डेट में पैदा हुए हैं, यानी 1 से लेकर 9 तक की डेट्स के बीच में आप पैदा हुए हैं, तब आप अपना मूलांक अपनी लो शुगर ग्रिड में नहीं भरोगे। और दूसरा, अगर आप किसी भी महीने की 10, 20 या 30 तारीख को पैदा हुए हैं तो भी आप अपना मूलांक अपनी लो शुगर ग्रिड में नहीं भरेंगे। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है डबल काउंटिंग का, जो इकोनॉमिक्स में शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो वही चीज यहाँ भी अप्लाई हो रही है। कैसे? देखिए, अगर आप किसी भी महीने की सिंगल डिजिट पे पैदा हुए तो वही सिंगल डिजिट आपका मूलांक बन गया, है ना। और आपने जब फर्स्ट स्टेप में अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को लो शुगर ग्रिड में भरा था, तब आपने अपने डेट को भी भर दिया था, वही आपका मूलांक भी है। तो अगर दोबारा से मूलांक के थ्रू भी उस नंबर को भर दोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, है ना। इसी तरीके से अगर आप किसी भी महीने की 10, 20 या 30 तारीख को भी पैदा हुए तो भी यहाँ पे देखिए, स्टैंडर्ड लो शुगर ग्रिड में 0 को कहीं पे भी जगह नहीं दी गई है। तो यानी 1+0 = 1, 2+0 = 2 ओनली, 3+0 = 3 ओनली। तो यहाँ पे भी अगर आप अपने मूलांक को भरते हो, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ पूरी भरते वक्त हमने फर्स्ट स्टेप में ऑलरेडी अपनी डेट को भरा था, तो अगर दोबारा से आप अपने मूलांक को भर दोगे 10, 20, 30 के केस में बात कर रही हूँ, तो भी यहाँ पे डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसलिए इन दो केसेस में, अगर आप 1 से 9 तक की डेट्स को पैदा हुए हो या फिर 10, 20, 30 को पैदा हुए हो, तो आप अपना मूलांक नहीं भरते हो, क्योंकि इससे डबल काउंटिंग हो जाती है, ठीक है, और आपकी प्रेडिक्शंस गलत निकलने लगती है। लेकिन इसके अलावा आप किसी भी डबल डिजिट को पैदा हुए हो, तब आप अपना मूलांक जरूर जरूर भरोगे, क्योंकि वहां पे जो भी मूलांक आता है वो दो नंबर्स के कॉम्बिनेशन से निकल के आता है। तो जैसे कि इस एग्जांपल में भी इस इंसान का, क्योंकि मूलांक 2 निकल के आया था, जो कि 2 डिजिट के कॉम्बिनेशन से था, 1+1 के कॉम्बिनेशन से था, तो यहां पे भी हम इनका मूलांक जरूर भरेंगे। तो यहां पे हम देख लेंगे कि 2 यहां पे है, तो यहां पे हमने इनका मूलांक भर दिया और यहां हो जाता है इनका लो शुगर ग्रिड कंप्लीट। तो यही कहानी होती है बेसिकली लो शुगर ग्रिड की। इसको बनाना बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत आसान है। बस जो रूल मैंने आपको बताया वो आपको याद रखना है। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा से रिपीट पे इस पार्ट को देख लीजिए, बट ये रूल याद हमेशा रखना, जरूर रखना, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और उसके थ्रू भी अपनी लो शुगर ग्रिड को बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि और क्लैरिटी आप लोगों को मिल जाए और आप लोगों को बेहतर तरीके से लो शुगर ग्रिड बनाना आ जाए। तो सबसे पहले हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को पकड़ेंगे फर्स्ट स्टेप, और जितने भी डिजिट्स हैं अपने डेट ऑफ बर्थ में, उन सब को लो शुगर ग्रिड में एक एक करके भरते जाएंगे। तो सबसे पहले 0 है, तो 0 को कोई जगह नहीं मिली तो नहीं भरेंगे। फिर 8 है, 8 हमारे अपने रेफरेंस से देख लीजिएगा, 8 यहाँ पे आता है तो यहाँ पे मैंने 8 भर दिया। फिर 4 है, 4 यहाँ आता है, मैंने 4 भर दिया। फिर 1 है इनके डेट ऑफ बर्थ में, फिर 9 है तो 9 यहाँ भर दिया, फिर से 9 है, 9 यहाँ भर दिया, फिर 3 है, 3 यहाँ पे भर दिया मैंने। इस तरीके से फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप आता है मूलांक निकालने का। तो मूलांक इनका 8 ही हो जाएगा, क्योंकि सिंगल डिजिट में ऑलरेडी पैदा हुए हैं, तो मूलांक इनका 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद भाग्यांक, भाग्यांक के लिए हम सारे जितने भी डिजिट्स हैं सबको ऐड करेंगे, 0+8+0+4+1+9+9+3, तो 8+4=12, 1+13, 13+9=22, 22+9=31 और 3=34। तो अब दोबारा 34 डबल डिजिट में आ गया, तो दोबारा इसको ऐड करोगे आप 3+4 और ये आ गया आपका 7। तो इस पर्सन के लिए जो इनका भाग्यांक निकल के आएगा वो होगा 7। तो अब मैं इनका मूलांक भी भरूंगी और भाग्यांक भी भरूंगी। पहले भाग्यांक भर देती हूँ, क्योंकि भाग्यांक हर केस में भरा जाता है, भाग्यांक के लिए कोई रूल अप्लाई नहीं होता। तो 7 इनका भाग्यांक आया है, 7 की पोजीशन ये होती है और यहाँ पे हमने भाग्यांक इनका भर दिया। अब मूलांक, तो आप लोग मुझे बताइए, क्या हम इनका मूलांक भरेंगे इस ग्रिड में? नहीं भरेंगे। क्यों नहीं भरेंगे? क्योंकि ये सिंगल डिजिट की डेट पे पैदा हुए हैं, तो इनका मूलांक नहीं भरा जाएगा और यहीं पे इनकी लो शुगर ग्रिड हो चुकी है कंप्लीट। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने एक डेट ऑफ बर्थ ली है 29 नवंबर 2001। सबसे पहला स्टेप, अपनी डेट ऑफ बर्थ में जितने डिजिट्स मौजूद हैं सबको लो शुगर ग्रिड में भरते जाओ। स्टैंडर्ड लो शुगर ग्रिड से रेफरेंस ले लेके कि स्टैंडर्ड लो शुगर ग्रिड में उस नंबर की, उस डिजिट की पोजीशन कहाँ पे है। तो सबसे पहले 29 में 2 आता है, 2 हमारा यहाँ पे आता है, मैंने 2 भर दिया। फिर 9 आता है, 9 यहाँ पे आता है। फिर 1 आता है, 1 यहाँ पे आता है, मैंने 1 भर दिया। फिर से 1 आ रहा है, यहाँ यहीं पे भर दिया। फिर 2001 में 2 आ रहा है, तो 2 यहाँ पे और फिर 1, तो 1 यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब निकालते हैं इनका मूलांक। तो मूलांक इनका आएगा 2+9, यानी हमें सिर्फ डेट को पकड़ना होता है मूलांक के लिए। 29 तारीख है, 2+9 किया तो ये 11 आ गया। अब 11 दोबारा डबल डिजिट में आया, तो दोबारा इसको ऐड करके सिंगल डिजिट में रिड्यूस करेंगे, यानी 1+1 करके हमारे पास आ गया 2। तो इस पर्सन के लिए जिनका मूलांक है वो है 2। अब भाग्यांक निकाल लेते हैं। भाग्यांक के लिए हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करेंगे, 2+9+1+1+2+0+0+1, तो ये आ गया 9, 2, 11, 1, 12, 13, 14, 15 और ये 16। तो यहाँ पे 16 आ गया, दोबारा डबल डिजिट में आ गया, तो 1+6=7, यानी इस इंसान के लिए भी जो इनका भाग्यांक है वो है 7। तो भाग्यांक हम हर केस में भरते हैं, इसलिए हम यहाँ पे 7 भाग्यांक भर देंगे। मूलांक क्या हम भरेंगे?
जी हाँ बिल्कुल भरेंगे। डबल डिजिट की डेट में पैदा हुए हैं, वो भी 10, 20, 30 नहीं है, तो दो डिजिट के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे एक सिंगल मूलांक निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे हम इनका मूलांक जरूर भरेंगे। तो इनका मूलांक है 2 और 2 यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे दोबारा से मैंने 2 लिख दिया। ये हो गई इनकी लो शुगर ग्रेड कंप्लीट। अब जब लो शुगर ग्रेड कंप्लीट हो जाती है ना, वहीं से असली कहानी शुरू होती है। जितने भी बातें आपके बारे में कोई न्यूमरोलॉजिस्ट आपको बताता है, वो इसी ग्रिड को देख के बताता है कि भाई कौन सा नंबर मौजूद है तो कितनी बार रिपीट हो रहा है, कौन सा नंबर मौजूद नहीं है, कौन सा राजयोग आपके पास अवेलेबल है, इस सब की बातें इसी ग्रिड से बताई जाती है। और अगर आप स्टैंडर्ड लो शुगर ग्रिड को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ 3 वर्टिकल प्लेन्स हैं, 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन्स हैं और 2 डायगोनल्स भी हैं, और इन सब की भी ना एक अलग ही मीनिंग होती है कि ये प्लेन पूरी तरह से मौजूद है तो वो क्या आपको इफेक्ट्स देगा, अगर कोई 2 नंबर मौजूद है किसी प्लेन का तो क्या इफेक्ट्स आपको मिलेंगे, अगर कोई 1 ही नंबर मौजूद है तो क्या ट्रेड्स आपके अंदर होंगे। ये इसकी एक अलग ही कहानी होती है, जिसे जानने के बाद आप बड़े अच्छे से हिसाब किताब लगा सकते हो कि आपका व्यक्तित्व कैसा होगा। तो अब आप लोग मुझे ये बताइए कि लो शुगर ग्रिड बनाना तो हमने सीख लिया, अब नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए, कि क्या हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन्स की बात करें, या अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है आपके लो शुगर ग्रिड में तो उसका मतलब क्या होता है उसकी बात करें, या फिर कोई नंबर अगर मिसिंग है आपके पास नहीं आपके लो शुगर ग्रिड में तो उससे आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे उसकी बात करें। तो जिस भी टॉपिक के लिए सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे अगली वीडियो हम उसी के ऊपर लेके आएंगे। तब तक के लिए हमेशा की तरह इस वीडियो पे अपना खूब प्यार बरसाइएगा। वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगी हो, पसंद आई हो, और अगर आपको लगा हो कि आपने आज कुछ नया जाना, कुछ नया सीखा, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दिल से अच्छा लगता है जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं और हमारे एफर्ट्स को सराहते हैं तो, और मोटिवेशन भी मिलती है आगे और बेहतर तरीके से आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पहुंचाने की। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि आगे भी इस चैनल पे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड काफी वैल्यूएबल इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। तो सब्सक्राइब कर ले अभी फटाफट से। मैं मिलती हूँ आप सबसे मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।